बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दें, आप जो है अपनी तालीम में मज़ीद कामयाबी हासिल करें और अल्लाह ताला आपको वो सब मकामात दे जो आपने सोचे हुए हैं। आज की इस जो है वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि आपको पता है, कोरोना के पेश नज़र मज़ीद छुट्टियाँ जो है आपको दे दी गई हैं, जिससे स्टूडेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो लेकिन याद रखें कि अगर आपने जो है इस टाइम को वेस्ट कर दिया, तो फिर जब जैसे ही जो है फेब में या जनवरी के मिड में इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा सिलेबस के हवाले से। अगर आप अभी से अपनी प्लानिंग बना लेते हैं, ठीक है, मैं ये सारी वीडियो जो है आपकी क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं और एक इंजॉय भी साथ साथ आप करें, लेकिन साथ ही साथ जो है आप अपनी स्टडी को भी फोकस करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका सिलेबस जो है वो वही होगा जो स्मार्ट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक माह आपके पेपर जो है आगे होंगे, तो उसके लिए ये है कि आपको चाहिए कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, चाहे आप ऑनलाइन स्टडी करें, ख़ुद से जो है आप अपनी नोट्स ले लें, नोट्स लेते हुए जो जो सब्जेक्ट आपको जो है परेशान करते हैं, ठीक है, आपको नहीं आते, आप ख़ुद से उनकी स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, अपना टाइम जो है गेम्स में, यूट्यूब्स में या इधर उधर जो फजूल की चीज़ें आप जो है चलाते हैं, वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें ताकि आपका नुकसान ना हो। स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे लास्ट टाइम जो कोरोना जो है फेस वन जो है पाकिस्तान में आया था, तो उसमें उन्होंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। अब ऐसा नहीं हो सकता, उस वक्त तो चलो आपको स्मार्ट सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका जो सिलेबस है यही स्मार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप अपने टीचर से पर्सनली कनेक्ट होकर, ठीक है, आप डेली बेसिस पे उनसे होमवर्क लें और क्वेश्चन आंसर साथ साथ तैयार करते जाएँ, मैथ है तो उसके ऑनलाइन लेक्चर लें, ठीक है, तो लेक्चर्स लेते हुए अपनी स्टडी को आगे चलाएं। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये जो टाइम है ये पहले तो यूं हुआ करता था कि इन दिनों में सिलेबस ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब क्योंकि ये कोरोना की वजह से ये पूरा टाइम जो है आपका पहले भी बहुत ज़्यादा ज़ाय हो गया, इस साल के जो है तकरीबन कि 9 माह ज़ाय हो चुके हैं, तो आपने पेपर तो देने हैं ना, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से इस साल आपको ख़ुद तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करें, ख़ुद से आप देखें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायो, बुक से ही जो जो आपको टॉपिक्स दिए गए उनसे उनके शॉर्ट क्वेश्चन आप ख़ुद से तैयार कर लें। बाकी जो प्रॉब्लम रह जाती है मैथ और उसके अलावा इंग्लिश की, ठीक है, तो उनके टीचर्स को आप मिलकर अपनी स्टडी को जारी रखें। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ताकि आप देखें अगर आप इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी जो है अफसोस होगा कि आपने ये टाइम वेस्ट किया था और आपके नंबर कम आ गए। बोर्ड को कोई कंसर्न नहीं है, बोर्ड ने आपको टाइम दे दिया है, बोर्ड गवर्नमेंट तो कहती है कि हम अब पेपर आगे करवा देंगे, हो सकता है वो पेपर आगे ना करवाएं, तो सिलेबस आपका वही है। स्टूडेंट काफ़ी परेशान है कि सिलेबस कौन सा होगा, सिलेबस वही स्मार्ट सिलेबस है, कोई इसके बाद कोई इसको स्मार्ट को हाफ नहीं कर सकते वो, ठीक है, तो आपने यही इसी की तैयारी करनी है और करते हुए जो है अपनी स्टडी को जारी करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।